हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था न्यू को और आज हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज के बारे में तो आइए चलिए शुरू करते हैं रोमांटिसिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट था जो इंडिविजुअलिज्म और इमोशंस पर जोर देता था हालांकि रोमांटिक एरा का टाइम पीरियड एटीन सेंचुरी के आखिर से मिडिल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी तक माना जाता है लेकिन इसके प्रभाव को मॉडर्न लिटरेचर में भी देखा जा सकता है रोमांटिक एज की शुरुआत एज ऑफ एनलाइटमेंट और इंडस्ट्रियल एज के रिएक्शन के रूप में हुई थी ये एक ऐसा दौर था जब साइंस और रेशनलाइजेशन का प्रभाव पब्लिक कॉन्शियसनेस पर बढ़ता ही जा रहा था रोमांटिक लिटरेचर ने इमोशन नेचर और आइडियलिज्म से भरी कहानियां सुनाकर एक नए आइडिया को चैलेंज किया था यानी कि जो रोमांटिक लिटरेचर था ये किसके अगेंस्ट था ये बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट था और नियो क्लासिकल एज में जो बहुत ही ज्यादा आर्टिकुलेशन के साथ चीजें लिखी जाती थी ये उसके भी अगेंस्ट था उसके लिए यह चैलेंज के रूप में उभरा था और इसके लिए इस्तेमाल किन चीजों का करता था इमोशन नेचर और आइडियलिज्म से भरी हुई कहानियों का इस्तेमाल करता था इंग्लिश रोमांटिसिज्म की शुरुआत वर्ड्सवर्थ एस्थे कॉलरेज लॉर्ड बायरन और पीबी शेली जैसे पोएट्स के आने से हुई ऐसा माना जाता है कि 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज की लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी ज्यादातर रोमांटिक वर्क्स में सिक्स कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो इनमें सबसे पहला है द कॉमन मैन और वुमन रोमांटिक राइटर्स ऐसा महसूस करते थे कि एक एवरेज रीडर को भी उनकी राइटिंग्स समझ में आनी चाहिए और वो उन्हें एंजॉय भी कर सके इस वजह से रोमांटिक वर्क्स के कैरेक्टर्स साधारण इंसानों जैसे ही होते थे नेक्स्ट है द आइडियलाइजेशन ऑफ विमेन रोमांटिक राइटर्स ऐसे फीमेल कैरेक्टर क्रिएट करते थे जो इनोसेंट होने के साथ साथ परफेक्ट भी होते थे और कभी कभी तो ये कैरेक्टर्स वर्शिप भी डिजर्व करते थे नेक्स्ट एलिमेंट है इंडिविजुअलिटी कैरेक्टर्स और उनकी इनर इंटरनल लाइफ्स रोमांटिक राइटर्स की प्रायोरिटी होती थी और इस तरह से वो रीडर्स को अपने कैरेक्टर्स की इनर मोस्ट थॉट्स और डिजायर तक पहुंचाते थे यानी कि कोई कैरेक्टर जो है वो क्या सोच रहा है उसकी क्या दबी हुई इच्छाएं भी हैं ये सब कुछ आपको पता होता था अगर आप किसी रोमांटिक वर्क को पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट है आइसोलेशन आइसोलेशन और उससे जुड़ी हुई मेलेंकली, रोमांटिक कैरेक्टर्स की और ऑथर्स के एक्सपीरियंसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये अकेलापन इन कैरेक्टर्स को अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका देता है नेक्स्ट एलिमेंट है नेचर जो कि रोमांटिक राइटर्स के लिए इंस्पिरेशन और ब्यूटी का एंडलेस सोल्स था रोमांटिक राइटर्स नेचर को एक टीचर एक लिविंग एंटिटी और एक गॉड या फिर गॉडेस के रूप में देखते थे रोमांटिसिज्म का लास्ट एलिमेंट है पैथेटिक पैथेटिक फैलेसी फैलेसी एक किस्म का पर्सोनिफिकेशन है जिसमें रोमांटिक राइटर्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन फीलिंग्स और थॉट्स प्रदान करते थे एग्जाम्पल विलियमर्थ ने अपनी पोयम आई क्लाउड में एक बादल को को दी है। है हो सकता है कि आप इस पोयम को के नाम से जानते क्योंकि बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में इसे के नाम से भी पब्लिश किया जाता है लेकिन इसका रियल नेम है आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड अब हम डिस्कस करेंगे के को। रोमांटिसिज्म लव लॉस ट्रायम्फ और फेलियर जैसे यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस को सम्मान देता है और यह रिलीजन या साइंस थ्योरीज पर बेस्ड नहीं होता बल्कि यह कलेक्टिव सेंस ऑफ मोरालिटी को हाईलाइट करता है रोमांटिक लिटरेचर एक कॉमन रीडर को अट्रैक्ट करने के लिए कॉमन मैन का इस्तेमाल एक कैरेक्टर के रूप में करता था इसका रिजल्ट यह हुआ कि एक सामान्य इंसान को भी वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट माना जाने लगा इसके अलावा रोमांटिक वर्क्स ने नेचर की वैल्यू और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आइसोलेशन की जरूरत को हाईलाइट किया तो दोस्तों यह था रोमांटिसिज्म या फिर रोमांटिक लिटरेचर और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग विक्टोरियन एज के बारे में बात करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू